हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने ये एक MP3 मॉड्यूल मंगवाया है अमेज़ॉन से और मैं इसे अनबॉक्स करने वाला हूँ। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं इसे। ये एक एडवांस टाइप का ड्यूल USB MP3 मॉड्यूल है जो कि हम अपनी जो कार की ऑडियो सिस्टम है उसमें डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके साथ मुझे ये वाला बॉक्स मिला है। पैकेजिंग यहाँ पे काफी बढ़िया है। और मैंने जो मॉड्यूल मंगवाया था वो ड्यूल USB था, लेकिन ये मुझे नॉर्मल वाला मिला है। अंदर देख लेता हूँ एक बार। नहीं, ये बॉक्स में जो ये प्रिंटेड है ये नॉर्मल वाला प्रिंटेड है, पर अंदर जो मुझे मिला वो मैंने जो मंगवाया था वही वाला मिला है। तो एग्जैक्टली जो मैंने मंगवाया था वही मॉडल है ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो मोड है वो है MP3 FM USB ऑक्सिलरी, और यहाँ पे जो दूसरा USB दिया गया है ये मोबाइल चार्जिंग के लिए है, और इसमें ये रिकॉर्डिंग का फंक्शन भी मेंशन किया है और ब्लूटूथ भी है। टोटल चार फंक्शन है, ब्लूटूथ, ऑक्स, USB और FM, और इस तरह से कुछ इसकी IC है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे आप डायरेक्टली 12 वॉट इनपुट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है 12 वॉट और ये इनपुट सॉकेट है, तो इसमें आप डायरेक्टली 12 वॉट इंसर्ट कर सकते हैं। ये जो है ये ब्लूटूथ का एंटेना है और छोटा सा अच्छी क्वालिटी का ये जो मॉड्यूल है। तो सर्किट जो है वो यहाँ से स्लाइटली आप देख सकते हैं थोड़ी ऊपर आ गई है, तो जब मैंने ये फर्स्ट टाइम ये बटन प्रेस किया तो ये ऊपर चली गई, तो इसको मैंने प्रेस किया तो ये वर्क करने लगे। तो यहाँ से ये मुझे ठीक करना पड़ेगा जो कि हो जाएगा, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में इसके साथ जो मुझे मिला है वो है एक थर्मोकॉल और दूसरा एक जो है वो रिमोट कंट्रोल है, कुछ इस टाइप का है जैसा कि इमेज में दिखाया गया था, एग्जैक्टली उसी टाइप का है। और ये एक वायर है, ये पावर केबल वायर है दो वायर वाला, जो मेन 12 वोल्ट जो है वो यहाँ से इंसर्ट हम कर पाएंगे इस तरह से इसको अटैच करके। और दूसरा जो वायर है वो यहाँ इस तरह से, ये 4 केबल वायर है जो कि यहाँ पे लगेगा। तो एक जो वायर है वो है एंटीना का जो रेड वाला है, और बाकी जो तीन है उसमें से एक जो है वो ग्राउंड है दोनों स्पीकर का, और एक राइट है और एक लेफ्ट है। तो टोटल चार वायर में से एक ग्राउंड, एक राइट, एक लेफ्ट और रेड वाला जो है वो एंटेना का है। तो ये थी इसकी अनबॉक्सिंग, और चलिए अब हम इसे अपनी कार में इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मैं उसका भी आपको सेटअप दिखा देता हूँ। तो अब हम आ गए हैं मेरी ये कार में जो कि है ये मारुति सुजुकी इको, और मेरे पास जो ये म्यूज़िक सिस्टम लगा है ये है कैनवुड का, और इसमें जो फंक्शन है वो है ऑक्स, CD प्लेयर और FM, ये तीन मेन फंक्शन है इसके। तो CD का तो जो आजकल है वो यूज़ नहीं होता, और इसकी CD जो ये CD का जो रीडर है वो भी शायद चल नहीं रहा। तो हम इसको ये इंस्टॉल करके इसमें चार जो फंक्शन है वो ऐड करेंगे। तो ये जो इंस्टॉल है ये मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, ये परफेक्ट जगह है इसके लिए। तो थोड़ा माउंटिंग इसको जो मुझे बनाना पड़ेगा क्योंकि ये क्रॉस में है, तो वो मैं सब करने वाला हूँ। और इसका जो
पावर इनपुट है 12 वोल्टेज का, वो मैं इसके जो म्यूजिक सिस्टम है उसमें से ही देने वाला हूँ। और साउंड जो आउटपुट है यहाँ, ये मैं इसके ऑक्स में देने वाला हूँ। तो इसका जो ऑक्स केबल है वो फ्रंट साइड पे नहीं आता था, वो नीचे इस तरह से ये दो वायर आते थे म्यूजिक सिस्टम में से ही। तो इसको हम इस तरह से ये केबल लगा के हमें जो है ये ऑक्स केबल इस तरह से ये निकालना पड़ता था। तो वो मैं जो दो वायर है ये वाले उसमें ही इसका जो इनपुट है वो दे दूंगा। तो म्यूजिक सिस्टम को हमें ऑक्स पे रखना होगा और ये जो इसके जो सारे फंक्शन है वो ऑक्स पे ऑपरेट हो गए। तो कुछ इस तरह से ये मैं करने वाला हूँ। तो चलिए पहले इसे टेस्ट कर लेते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं इसका जो पावर इनपुट दे के। तो आप देख सकते हैं मैंने म्यूजिक सिस्टम को अपने डैशबोर्ड से पूरी तरह से बाहर निकाल लिया है। और ये वाला जो वायर मैंने आपको दिखाया ये ऑक्स का इनपुट है जिसमें इनपुट देने वाले हैं। और पावर केबल जो मैंने वो ऑलरेडी दे दिया है, ये मैंने जो है पावर केबल आउटपुट जो है 12 वोल्ट का वो ले लिया है। ये जो वायर है ये वाले सिगरेट लाइटर के वायर है, सिगरेट लाइटर में भी 12 वोल्ट ही आते हैं, तो आप उसमें से भी ले सकते हैं। मुझे ज़्यादा नज़दीक पड़ रहा था तो मैंने सिगरेट लाइटर से ही 12 वोल्ट जो है इनपुट ले लिया। आप ऑडियो सिस्टम से भी ले सकते हैं, वो भी 12 वोल्ट ही होता है। तो मैं पारी से चालू करके देख लेते हैं, इग्निशन ऑन करता हूँ और इग्निशन ऑफ करते ही इसकी डिस्प्ले पे हाई लिखा आता है जैसा कि आप देख सकते हैं। और जैसे डिस्प्ले है आपको टूटी फूटी दिख रही है कैमरे में, लेकिन एक्चुअल में ये डिस्प्ले जो है फुली फंक्शनल थी, फुल अच्छी तरह से कैमरे में इस तरह से दिखती थी। और मोड बटन पे सारे फंक्शन हैं जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में के बाद एक समझा दूंगा। तो ये ऑक्स केबल है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, तो इसको ही मैं यहाँ से कट करूँगा। और इसके साथ जो मुझे वायर मिले हैं ये वाला ये तीन वायर मैं इस ऑक्स केबल में ही अटैच करूँगा ताकि एक सॉकेट टू सॉकेट इंस्टॉलेशन रहे, जो मेरी केनवुड की सिस्टम है उसमें कोई डैमेज ना हो। ये वाले सॉकेट में वो वाले सॉकेट इजीली कनेक्ट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं, और मैंने डैशबोर्ड को थोड़ा और रिमूव कर लिया है, ये इसकी वायरिंग है ऑडियो सिस्टम की। और हमने जो है वो पावर आउटपुट वो यहाँ पे सीक्रेट लाइटर के वायर से लिया है इस तरह से। और ऑडियो जो इनपुट है वो मैं इसके ये वाले सिस्टम के ही ऑक्स में देने वाला हूँ, बिना ही इस वाले म्यूजिक सिस्टम का कोई भी वायर को कट किए। इसीलिए मैंने इस वाले ऑक्स केबल को लिया जिसको मैंने पीछे से इस तरह से कट कर लिया। तो चार वायर इसमें से निकल के आए, दो जो है वो ब्लैक कलर के होंगे और एक होगा वाइट और एक रेड। तो दो ब्लैक को आपको आपस में कनेक्ट कर लेना है और रेड और वाइट है वो एक लेफ्ट और एक राइट स्पीकर के लिए है। तो इस तरह से आपको लेफ्ट और राइट में कनेक्शन दे देने हैं। तो मैंने अब ये सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया है पूरी तरह से। और ये जो वीडियो है ये मैं 7-8 दिन बाद बना रहा हूँ ताकि साथ में रिव्यू भी हो जाए। तो आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे ये परफेक्टली इंस्टॉल हो गया है, और वायरिंग जैसे मैंने आपको बताई थी उसी तरह से की है। यहाँ पे मैं आपको एक बार पीछे से दिखा देता हूँ कि कैसे मैंने इसका जो है कटआउट लिया है और किस तरह से इसकी वायरिंग को किया है। तो ये हम जाते हैं पीछे इसके, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये छोटा सा सिर्फ एक सुराग बनाया है ताकि ये जो वायर थी वो हमारी 4-5 वायर वो निकल सके। और यहाँ पे ये लंबे लंबे जो है वो स्क्रू दोनों तरफ लगा दी है जिससे ये पूरी तरह से माउंट हो गया है। तो इसका जो ये मेन पावर केबल है 12 वोल्ट वो मैंने यहाँ सिगरेट लाइटर पे दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों रेड और ब्लैक को मैंने सिगरेट लाइटर से ही जो है वो पावर ले लिया है। और इसका जो साउंड इनपुट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जैसे कि मैंने आपको बताया था इसके जो चार वायर थे उसके साथ मैंने ये दो पिन अटैच कर दी, रेड वाली और वाइट वाली। और जो मेरी म्यूजिक सिस्टम से दो पिन आ रही थी रेड और वाइट, उसके साथ मैंने ये कनेक्ट कर लिया ताकि जब भी मुझे फ्यूचर में ये निकालनी हो तो सिंपली मैं इस पिन को इस अटैच करके ये वाली सिस्टम को अलग कर सकता हूँ। तो अब मैं आपको एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे, तो जैसे ही यहाँ पे हम ऑन करते हैं यहाँ पे एक हाई लिखा आता है, और फिर जिस भी मोड में है वो बोलता है कि कौन से मोड पे है। और यहाँ पे बीटी लिखा यानी अभी ब्लूटूथ मोड पे है।
तो ये मोड का बटन हम एक बार दबाएंगे और इसका जो मोड है वो चेंज होगा। अभी ये एलओडी मतलब लोडिंग, तो अभी ये ऑक्स मोड पे है, ये वाला ऑक्स वो यूएसबी था, और फिर से दबाने पर आरईसी यानी रिकॉर्डिंग मोड, यानी ये वाला जो रिकॉर्डिंग फीचर है वो ये है। इसके साथ हमें एक माइक अटैच करनी होती है पीछे की ओर, इसके माइक भी लग जाती है और उससे हम इसका जो एफएम है वो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं और ये यूएसबी ड्राइव में हम स्टोर कर सकते हैं और फिर इस रिकॉर्डिंग मोड पे उसे सुन सकते हैं। तो माइक मैंने अटैच की नहीं है तो ये मोड कुछ काम का नहीं है, और फिर से दबाने पर ब्लूटूथ मोड जो है वो ऑन होता है। और म्यूजिक सिस्टम में मुझे रखना होगा AUX, यानी मैंने ऑक्स पे इसे अटैच किया है तो ऑक्स मोड पे रखना होगा। तो एक बार मैं आपको ब्लूटूथ कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं मेरे आईपैड में जो है वो ब्लूटूथ को कनेक्ट करूँगा, दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमें ब्लूटूथ मोड पे रखना है, यहाँ पे BT लिखा आएगा और फिर हमें हमारे डिवाइस में जब ब्लूटूथ को सर्च करवाना है तो कुछ इस तरह से इसका नाम मिलेगा SKE 111। उसे मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, तो ऐसी बजता है कनेक्ट करने के बाद। तो अब मैं आपको म्यूजिक बजा के सुना देता हूँ। तो यहाँ से हम प्ले और पॉज भी कर सकते हैं रिमोट से ही, और वॉल्यूम भी जो है वो यहाँ से अप डाउन करेंगे तो इसका जो वॉल्यूम है वो चेंज होगा। तो मैंने नेक्स्ट किया तो यहाँ पे नेक्स्ट हो गया। तो ये ब्लूटूथ का कुछ कनेक्शन है वो कुछ इतना एडवांस है। तो इस तरह से हमने ये ब्लूटूथ को देख लिया, और फिर ये रिमोट का जो दूसरा फंक्शन है वो ये ऑन ऑफ है, इससे ये ऑफ हो जाता है कम्प्लीटली, हम अपना ऑडियो सिस्टम बजा सकते हैं। और ऑन करने के बाद फिर से वो मोड को एक बार बताएगा हमें साउंड से, और यहाँ पे म्यूट का बटन है। और ये जो सारे फंक्शन, ये जो 120 जो नंबर लिखे गए हैं, ये वाले USB फंक्शन को ऑपरेट करने के लिए लिखे गए हैं। इसमें जो USB ये लगता है उसमें जितने भी सॉन्ग होंगे वो ऑटोमेटिकली ये वाला ये जो मॉडम है वो 1 to 100, यानी अगर 100 सॉन्ग होंगे तो 1 to 100 में वो नंबर दे देंगे अपने ओर से, और 1000 हो गए तो 1 to 1000 पे नंबर दे देंगे। तो हमें याद रखना है कौन सा गाना कौन से नंबर पे है, तो वो नंबर डायल करके हम वो तुरंत बजा सकते हैं। मैं आपको USB नहीं सुना सकता क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा वीडियो पे। और यहाँ पे जो ये मोड का बटन है वो से आप इसको मोड को जो है वो चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे एक इक्विलाइजर का बटन दिया गया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके इक्विलाइजर में जो है वो एक सेटिंग है इक्विलाइजर के, पॉप हो गया पहला, फिर ये ROC लिखा आ रहा है यानी रॉक मोड, फिर A2 लिखा आ रहा है कुछ है ये CLA और COU और फिर नॉर्मल, तो इक्विलाइजर का भी इसमें सेटिंग दिया गया है। और फिर यह आता है रिपीट मोड जिसमें जो है सॉन्ग है वो रिपीट होता है, और स्कैन जो है वो FM के लिए दिया गया है, और ये तो आपको मालूम ही है प्लस माइनस नेक्स्ट पॉज और ये सब। ये दो बटन है वो डमी बटन है, इससे कुछ होता नहीं है। और इसकी जो रिमोट की फ्रीक्वेंसी है वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई, आप देख सकते हैं अगर मैं ऊपर रख के भी इसके जो वॉल्यूम है वो मैं चेंज करता हूँ तो यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी अच्छी बनाई गई है और रिमोट की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। ये छोटा सा है बट जो बटन है वो काफ़ी अच्छे है, तो क्वालिटी में ये बहुत एक अच्छी है। अब आती है इसकी साउंड क्वालिटी की बात, तो साउंड क्वालिटी इसकी मुझे बहुत खास नहीं लगी। जो मैं ऑक्स से बजा रहा था वो थोड़ा बेटर था, उससे ये थोड़ा कम है, यानी परफॉर्मेंस इसका थोड़ा कम है।
ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप इसे आप मैं इसे रिकमेंडेड करता हूँ, ये एक अच्छी चीज़ है। और जो लास्ट जो एक चीज़ रह गई वो है ये मोबाइल चार्जिंग, तो वो भी हम मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो ये मैंने मोबाइल लिया और मैं इसे डायरेक्टली प्लग करता हूँ इधर, तो ये चार्ज होना स्टार्ट हो गया। तो ये एक सबसे बढ़िया चीज़ है, इसी के लिए मैंने ये वाला मॉडेम लिया है, ये वाला एडवांस मॉडल, ताकि इसमें मोबाइल चार्जिंग आए। और एक प्लस पॉइंट कि ये डायरेक्टली जो है वो 12 वोल्टेज पे कितनी ऑपरेट बार होता आया है। है तो ये खाते देख में सकते हैं लेकिन आप, मैंने यहाँ पे प्ले किया तो ये अनगिनत प्ले हो कटिंग्स गया, हैं वो डिनर के यहाँ बाद से ही हम कई बार। पॉज कर सकते हैं म्यूजिक को। तो ये सारा कुछ ये ब्लूटूथ सिंक्रोनाइजिंग है वो एकदम बढ़िया है। तो ये था मेरे इस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।